द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इसराइल जंग के बीच मिडल ईस्ट के बाकी देशों में भी उथल पुथल मची हुई है। मिडल ईस्ट के बाकी देशों में भी तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खबरें तो आती रहती हैं कि कभी भी किसी भी वक्त जो है वो मिडल ईस्ट के दूसरे देशों में भी जंग छिड़ सकती है, जैसा कि हाल ही में अमेरिका ब्रिटेन और यमन के बीच छिड़ी। अब खबर आ रही है कि IRGC यानी कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर जो है वो हमला कर दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच जो है वो तनाव बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। इसी के साथ क्या अपडेट आ रही है हमले को लेकर, ईरान ने क्या कहा है, अमेरिका ने क्या कहा है, इसे लेकर क्या खबर आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देख रहे हैं। लगातार अमरीश मिश्रा हमास इसराइल जंग से जुड़ी और मिडल ईस्ट के तमाम देशों में क्या हो रहा है, किसके बीच क्या तनाव है, तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उत्तरी इराक में अमेरिकी इजराइल बेसिस पर IRGC ने उच्च परिशुद्धता वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, यानी कि हमला किया है। नीचे लिखा है कि उत्तरी इराक में अमेरिकी स्थलों की ओर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा लॉन्च की गई उच्च परिशुद्धता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का दस्तावेजीकरण। तो यहाँ पर इन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है और किस तरह से IRGC ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है ये भी बताया है। अब यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जो बयान दिया है वो आपके सामने है। ये जागरण की खबर के मुताबिक जो बयान इन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किया उसी के हवाले से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान में कहा है कि उसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, यानी कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी बयान देते हुए साफ किया है कि उन्होंने हमला किया है। इस हमले में कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। एक अन्य बयान में ये भी दावा किया गया है कि उन्होंने इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईरान एक बार फिर से जो है वो अमेरिका के खिलाफ जो है वो हल्ला बोल रहा है और इसी के साथ इराक ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए और ये भी कहा जा रहा है कि कुर्द क्षेत्र में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी जो है वो हमले किए हैं। इसी के साथ जागरण का पूरा आर्टिकल भी आपके सामने रख रहे हैं कि इस पूरे आर्टिकल में क्या बताया गया है। ये छोटा सा हिस्सा मैंने आपके सामने रखा जिसमें ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने जो बयान दिया है वो आपके सामने दिखाया गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमास इसराइल जंग तो चल ही रही है लेकिन दूसरी तरफ लगातार अमेरिका के खिलाफ, चाहे फिर वो यमन हो, ईरान हो या फिर हिजबुल्ला हो, लेबनान हो, लगातार जो है अमेरिका को इनके हमलों का, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है कि ईरान ने इराक पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल, मोसाद के मुख्यालय को बनाया निशाना और इस पूरे हमलों में जो है वो 4 की मौत बताई जा रही है। इसे लेकर अमेरिका ने क्या बयान दिया है वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर लिखा है कि ईरान ने सोमवार की देर रात उत्तरी इराक और सीरिया में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान ने कहा कि उसने अरबिल में जासूसों के मुख्यालय और ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बनाया है और उसी के तहत कार्रवाई की गई है, ईरान ने ऐसा कहा। आपको बता दें कि इससे पहले हाल ही में ईरान में जो है वो बड़ा धमाका देखने को मिला कासिम सुलेमानी की कब्र के पास, जहां पर उनकी चौथी बरसी के मौके पर एक समारोह आयोजन किया गया था और उनकी कब्र के पास एक के बाद एक दो विस्फोट हुए, आत्मघाती हमले हुए जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग जो है वो घायल बताए गए। इससे पूरा ईरान जो है वो दहल उठा। कहा गया कि ईरान में अब तक का सबसे बड़ा हमला है, ईरान ने इसे आतंकी हमला करार दिया, जिसके बाद ईरान ने यह भी कहा कि इसके पीछे जो है हम उसे सजा दिलाकर रहेंगे और उसको नहीं छोड़ेंगे। और अब कहा जा रहा है कि ईरान अपने खिलाफ, यानी कि ईरानी विरोधी आतंकवादी समूहों के ठिकानों को निशाना बना रहा है। आगे लिखा है, कुर्दिस्तान सरकार की सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा है कि ईरान के हमलों में 4 नागरिक मारे गए हैं और 6 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, यानी कि 4 मारे गए हैं और 6 घायल बताए जा रहे हैं। ये मिसाइलें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास गिरी थी। एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने कहा है कि इन हमलों में कोई भी अमेरिकी सुविधा प्रभावित नहीं हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान जो है
वो अब एक्शन फॉर्म में आ गया है और जो कुछ ईरान में पिछले दिनों हुआ उसका बदला लेने के लिए ईरान ने भी अपनी कमर कस ली है और उसी के तर्ज पर जो है ये हमले किए जा रहे हैं। एक इराकी अधिकारी ने बताया कि अरबिल में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया के एक अधिकारी ने कहा कि 10 मिसाइलें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास के इलाके में गिरी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिसाइलें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हमलों को लेकर क्या बयान दिया है, आप अपनी स्क्रीन पर एक बार फिर से वो देखिए, जिसमें लिखा है साफ साफ कि उन्होंने बयान में कहा है कि उसने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। साथ ही यहां पर यह भी दावा किया गया है रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से कि इराक के कुर्द क्षेत्र में स्थित इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी जो है उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी है, हमला किया है। वहीं अमेरिका ने इसे लेकर क्या कहा है, अमेरिका ने इस हमले की निंदा की है और क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने है। यहाँ पर लिखा है कि वहीं अमेरिका ने ईरान के हमलों की निंदा की है। अमेरिका विदेश विभाग ने कहा कि इराक के उत्तरी शहर अरबिल के पास ईरान ने हमले किए, हम ईरान के मिसाइल हमलों की निंदा करते हैं। अमेरिका इराक और कुर्दिस्तान सरकार का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के बीच भी घमासान मचा हुआ है। पहले यमन ने यूएई को चेतावनी दी, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने साथ मिलकर के यमन पर हमला कर दिया क्योंकि लाल सागर में जो कुछ टेंशन चल रही है वो दोनों के बीच जो है वो जंग में बदल गई, जिसके बाद अमेरिका ब्रिटेन ने साथ में आकर कतर यूएई सऊदी अरब की मदद से जो है वो यमन पर हमला किया, जिसके बाद यमन ने भी जवाबी हमला किया। यमन ने भी जवाबी हमले करते हुए अमेरिका को अच्छा खासा जो है वो नुकसान पहुंचाया, अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन देखी जा रही है क्योंकि ईरान ने सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया है और कहा तो ये भी जा रहा है कि कुर्द के क्षेत्र में जो इजरायली एजेंट मोसाद का मुख्यालय है वहां पर भी हमला किया गया है। आपको बता दें कि ईरान में हाल ही में जो है वो कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी के मौके पर जो है वो एक के बाद एक दो विस्फोट हुए थे, जिससे ईरान पूरी तरह से दहल उठा था। ईरान में अफरा तफरी मच गई, यहां तक कि कई लोग इसमें मारे गए, 100 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आई उस वक्त, और कहा गया कि सैकड़ों इसमें घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि किस तरह से तमाम चीजें हुई और किस तरह से वहां पर भगदड़ भी मच गई। आपको बता दें कि 3 जनवरी 2020 को बगदाद एयरपोर्ट पर अमेरिकी हवाई हमले में शीर्ष ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी और उसके बाद उनकी चौथी बरसी के मौके पर ही ईरान में जो है वो बड़ा विस्फोट हुआ, जिसको लेकर ईरान ने साफ साफ कहा कि इसके पीछे जो भी है। ईरान ने यहाँ पर अमेरिका और इसराइल का जो है इसराइल की तरफ इशारा किया कि अमेरिका और इसराइल के द्वारा जो है ये हमले किए गए हैं, जिसके बाद अमेरिका और इसराइल ने इससे इनकार भी किया और इसी के साथ ईरान ने ये भी कहा कि जो भी इस हमले के पीछे है हम उसे ढूंढेंगे और उसको सजा देंगे। वहीं इससे पहले हमने देखा कि लेबनान की राजधानी में भी हमास के उप प्रमुख नेता को जो है वो इसराइल ने जो है वो एयर स्ट्राइक करके मार गिराया था, जिसके बाद दोनों के बीच और भी ज्यादा तनाव जो है वो बढ़ गया था। यानी कि एक तरफ हमास इसराइल जंग चल रही है लेकिन दूसरी तरफ मिडल ईस्ट के बाकी देश ईरान यमन इराक सीरिया अमेरिका में भी लगातार जो है वो घमासान मचा हुआ है, इनमें भी लगातार जो है वो तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से IRGC ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और दावा तो ये भी किया जा रहा है कि कुर्द क्षेत्र में इजरायली एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी जो है वो मिसाइलें दागी गई, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी सच सबसे आगे।